क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट थर्ड, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। द टू डिजिट नंबर है, टू डिजिट नंबर क्या, जैसे 10 से लेकर कहाँ 99 तक टू डिजिट नंबर है। अब टू डिजिट नंबर हम कैसे लिखते हैं, देखो बच्चे, जैसे मान लो 12 है, तो 12 को हम क्या लिखेंगे, देखो ये टेंस प्लेस का डिजिट है, यूनिट प्लेस का डिजिट 2 है, इसे लिखेंगे 10 × 1 प्लस 2। अगर सपोज रहेगा 23, इसे क्या लिखेंगे 10 × 2 प्लस 3, जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो यूनिट प्लेस पे उसे प्लस कर देंगे। कितना आ गया देखो, 20 + 3 = 23 हो जाएगा ना, इसलिए जैसे रहेगा आपको 58। अब इसको हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, टेंस प्लेस पे क्या 5 है, 10 × 5 और प्लस यूनिट प्लेस पे 8 है, प्लस 8। इस तरह से जब भी टू डिजिट नंबर है, हम टू डिजिट नंबर को इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे रहेगा अब एक्स और वाई डिजिट है, अगर ये टेंस प्लेस का डिजिट है तो इसे क्या लिखेंगे, 10 × x प्लस यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है, y, तो प्लस y। तो जब भी आपको टू डिजिट का नंबर है, लेट कर लेंगे कि टेंस प्लेस का डिजिट x है और यूनिट प्लेस का डिजिट y है, देन टू डिजिट नंबर क्या होगा, 10x प्लस y। ओके, तो लेट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड पार्ट, ओके तो लेट कर लेते हैं। 2 digit number = 10x + y, वेयर एक्स के ए डिजिट है यूनिट प्लेस, एक्स का डिजिट है डिजिट एट सॉरी टेंस प्लेस, और वाई का डिजिट एट यूनिट प्लेस। तो अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों डिजिट का सम कितना है, तो क्या दिया हुआ है, आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, देर टू डिजिट नंबर है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, यानी दोनों डिजिट का सम, टू डिजिट है एक्स और वाई, दोनों का सम कितना है, दोनों का सम है आपको 9 है। ओके, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y = 9, फर्स्ट इक्वेशन आ गया, मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जब फाइंड आउट हो जाएगा इसमें पुट करेंगे तो नंबर फाइंड आउट हो जाएगा टू डिजिट का। अब दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अगेन दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, दूसरा इन्फॉर्मेशन है कि जो नंबर है उस नंबर का 9 टाइम्स इस नंबर में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर बनेगा वो नंबर अब दो क्या है, किसके इक्वल है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, जो नंबर उस नंबर के डिजिट को अगर ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाए, जैसे मान लो 23 है, अब रिवर्स करो, रिवर्स मीन्स जो टेंस प्लेस पे वो यूनिट प्लेस पाएगा और जो यूनिट प्लेस है वो टेंस प्लेस पाएगा, तो कितना 3-2 हो जाएगा। जब डिजिट को रिवर्स ऑर्डर में हम लिख देंगे तो 23 बन जाएगा 3-2। अगर एक्स वाई यानी एक्स क्या टेंस प्लेस पे है, वाई यूनिट प्लेस पे है, रिवर्स कर दो ऑर्डर को तो क्या बन जाएगा, ये वाई पे वाई आएगा टेंस प्लेस पर, एक्स आ जाएगा यूनिट प्लेस पे, इस तरह से बन जाएगा। यानी जैसे कहते हैं डिजिट के ऑर्डर को चेंज कर दो, रिवर्स कर दो, तो इस तरह लिख देंगे। तो अब क्वेश्चन कह रहा है अगेन आल्सो
आसो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नंबर गिवेन है, ये नंबर आपको गिवेन है, ये नंबर है, ये नंबर फाइंड आउट करना। कहते इस नंबर का 9 टेंस, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 टाइम्स ऑफ नंबर, नंबर है 10x plus y। अब ये किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ उस नंबर का दुगुना हो जाएगा जब इस नंबर, ये जो नंबर है इस नंबर के डिजिट को क्या करें, रिवर्स कर दो, रिवर्स ऑर्डर में दे दो, यानी जहाँ x है वहाँ y लिख दो, जहाँ y है वहाँ x लिख दो, तो ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये आएगा 10y plus x, ये आ जाएगा। कहते डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना उस नंबर का ट्वाइस के इक्वल है, ये जो नंबर है किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, तो 2x 2 into हो जाएगा 10y plus x। ये क्वेश्चन कर रहा है, तो आपको गिवन नंबर यही है, ये नंबर है, इस नंबर का 9 टाइम्स किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ द नंबर। और नंबर कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये नंबर जो ये नंबर है इस नंबर के डिजिट को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, यानी वाई को यहाँ लिख दो और एक्स को यहाँ लिख दो, लिख दिया, तो ये नंबर बना कर, तो इस नंबर के ट्वाइस के इक्वल है कौन, ए नंबर, ओके लिख दिया। अब इससे भी एक इक्वेशन आ जाएगा, ओके जी, फिर दोबारा पढ़ लो क्या कर रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर, दिस नंबर तो इस नंबर की बात कर रहा है, इस नंबर का 9 टाइम्स किस इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी इस नंबर का डिजिट को रिवर्स कर दो, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, रिवर्स ऑर्डर लिखने के बाद ये नंबर बन गया, कहते इस नंबर का ट्वाइस इक्वल है ये नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, ओके तो आप थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करो, दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, दिस इंप्लाई दैट ये आ गया 90x plus 9y equal to 20y plus 2x, एक्स वाले इधर कर दो है ना, एक्स और इस वाई को भी इधर कर दो, क्या दिक्कत है, कर दो, तो कितना आ गया देखो, 90x minus 2x फिर +9y minus 20y equal to 0, इस दोनों को हमने इधर लिया है तो राइट साइड क्या आ गया, 0, ओके तो 90 में से माइनस करो 2 को, कितना आएगा 88x, और 9 में से 20 माइनस कर दो कितना आएगा, 9y minus 20y कितना आएगा, 11, -11y equal to 0। अब देखो 11 यहाँ कॉमन आ जाएगा, कॉमन इतना यहाँ क्या बचेगा, 8, 11 into 8, तो हमने क्या किया 11 कॉमन ले लिया, यहाँ 8x minus 11 कॉमन लिया, यहाँ बचा कितना, y equal to 0। अब इस 11 मल्टीप्लाई में इधर आएगा क्या, डिवाइड हो जाएगा, 0 में 11 डिवाइड करो क्या हुआ, 0 हो जाएगा, 0 divided by 11 0। ओके कितना आ गया, दिस इंप्लाई दैट 8x minus y equal to हो गया 0 divided by 11, 0 आ गया, एंड दूसरा इक्वेशन आ गया 8x minus y equal to 0, सेकेंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x plus y equal to 9, सेकेंड इक्वेशन आ गया 8x minus y equal to 0। अब देखो किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे, चूँकि एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, तो अब देखो इसमें y का कोएफिशिएंट कितना है, -1 है, अब देखो यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, चूँकि एक प्लस एक माइनस है, तो एक्चुअल में न्यूमेरिकल फिगर में y का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ भी क्या न्यूमेरिकल फिगर में y का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ 1 है, बट साइन डिफरेंट है, एक प्लस दूसरा माइनस है, तो कोएफिशिएंट तो सेम है यानी न्यूमेरिकल फिगर, बट एक साइन एक का पॉजिटिव दूसरा का नेगेटिव है, तो क्या कर दोनों को एडिशन कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, चूँकि कोएफिशिएंट दोनों का सेम है न्यूमेरिकल फिगर में, ओके तो हम लोग क्या करेंगे, वही फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को सबट्रैक्ट कर, एडिशन कर देते हैं, चूँकि
कोऑप्शन तो सेम है बट एक प्लस में एक माइनस में है, वाई वाई एलिमिनेट हो जाएगा। तो ना करो नौ, एट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों को एड करो। तो फर्स्ट इक्वेशन कितना था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन। सेकेंड इक्वेशन है एट एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, अब दोनों को एड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एड कर एडिशन कर रहे हैं। देखो एक्स प्लस एट एक्स कितना होगा, नाइन एक्स, ओके। फिर आइए वाई प्लस में वाई माइनस में एडिशन करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू अब नाइन प्लस जीरो कितना होगा, नाइन प्लस जीरो कितना आ गया, नाइन कितना आ गया, नाइन आ गया। तो नाइन एक्स इक्वल टू नाइन आ गया, दिस इंप्लाई दैट एक्स इक्वल टू हो जाएगा नाइन, चूंकि मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो गया नाइन डिवाइड बाई नाइन, कितना आ गया वन, देयर फोर एक्स इक्वल टू वन आ गया। अब इस एक्स के वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट करो, फर्स्ट में पुट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट कितना है एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन, दिस इंप्लाई दैट एक्स वैल्यू वन पुट करो, वन प्लस वाई इक्वल टू नाइन, दिस इंप्लाई दैट वन को इधर लाओ प्लस एट माइनस हो जाएगा, नाइन माइनस वन कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू नाइन माइनस वन, देयर फोर वाई वैल्यू एट आ गया। देखो एक्स और वाई दोनों आ गया, आप कहते फाइंड द नंबर, नंबर है क्या, नंबर आपका यही है टेन एक्स प्लस वाई है, यहाँ फुट कर दो, सिंस नंबर ही कर लिखेंगे, सिंस नंबर इक्वल टू है टेन एक्स प्लस वाई, तो टेन इंटू एक्स कितना है वन, वाई कितना एट, तो टेन इंटू वन टेन प्लस एट कितना आ गया एट्टीन, ये आंसर हो गया, तो रिक्वायर्ड नंबर एट्टीन है, ओके। ओके चलो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ओके।